कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मसाला बनाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि मैम होममेड मसाले भी थोड़ा बताया करें, आप तो हमेशा फैंसी फैंसी आइटम बताती रहती हैं। तो मैंने सोचा बकर ईद आ रही है तो आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल मसाले जात शेयर किए जाएँ जो आप लोग ईज़िली घर में बना कर सेव कर सकते हैं और ईद पर इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ आज टिक्का मसाला। टिक्का मसाला पाउडर हम आपको बनाना बता रहे हैं और आपको उसको प्रिजर्व करना भी बताएँगे, सेफ़ रखना भी बताएँगे कि कितने टाइम तक चल सकता है। और स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले ये मैंने ली है बटन चिलीज, साबुत लाल मिर्चें, इसके साथ ही मेरे पास ये कचरी पाउडर है हाफ टी स्पून, और मेरे पास मौजूद है ये टार्टरी, ये मैंने ली है क्वार्टर टी स्पून। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी मैं आपको बताना भूल गई, ये तकरीबन क्वार्टर कप है, 18 से 20 मिर्चें हैं। ये मेरे पास आमचूर है 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है। इसके साथ मेरे पास मौजूद हैं यहाँ कुछ ड्राई स्पाइसेस, ऑल स्पाइसेस भी बोलते हैं इनको, होल स्पाइसेस भी बहुत से लोग बोलते हैं। तो इसमें मैं एक बे लीफ यानी तेज़पत्ता यूज़ कर रही हूँ, स्टार एनिस, बादियान का फूल, कार्डमम बड़ी वाली ये ले रहे हैं हम एक, और इसके साथ 2 सिनेमन स्टिक हैं यानी दालचीनी, और ज़ीरा मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है कि उनको हल्का हल्का लाइट लाइट से रोस्ट किया है। आप देख सकते हैं मैंने ब्राउन नहीं किया है, बिल्कुल लाइट सा मैंने इसको रोस्ट किया है। और ये मेरे पास है 1 टीस्पून फुल ऑफ 1 टीस्पून, और साथ ही मेरे पास यहाँ मौजूद है जायफल और जवित्री। सही, क्वार्टर पीस से भी छोटा पीस मैंने जायफल का लिया है। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने जवित्री का एक छोटा सा पीस लिया है। अच्छा, इनको इसमें से सिर्फ रोस्ट जो हुआ है वो ज़ीरा रोस्ट हुआ है, बाकी मैंने कुछ भी रोस्ट नहीं किया है। और बाकी ये जो मसाले हैं इनको मैं एक साथ पीस रही हूँ, पीसने के बाद हम इसको छानेंगे। अच्छा, ये टोटल मसाले नहीं हैं, इसके साथ इसके बहुत सारे मसाले अभी और जाएंगे, लेकिन पहले हम इसको अच्छा सा पीस लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें और कौन कौन से स्पाइसेस जाएंगे। अच्छा जी मेम्बर्स, ये देखें जो हमने मसाला अपना अभी आपको दिखाया था वो मैंने अच्छी तरह से पीस लिया और उसको छान लिया है। ये बारीक बिल्कुल हमने ग्राइंड कर लिया है और छान लिया है। अब इसके साथ मेरे पास मौजूद है यहाँ पे चाट मसाला, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। ये मेरे पास जिंजर गार्लिक पाउडर मिक्स है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून दोनों चीज़ें हैं, गार्लिक पाउडर भी और जिंजर पाउडर भी, और साथ में मैंने इसके थोड़ा सा डाला है जर्दे का रंग। और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और साथ में नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हमने लिया है 1 टेबल स्पून फुल। ठीक है, ये देखें, ये हमारा वो मसाला है जो हमने ग्राइंड किया था। इसमें मौजूद है हमारा चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा जर्दे का रंग, सॉल्ट और टर्मेरिक पाउडर, और ये आ गया हमारे पास रेड चिली पाउडर। टार्टरी मैं पहले डाल चुकी हूँ, इसमें कचरी पाउडर मैं पहले डाल चुकी हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैंने जो मसाला पीसा था उसमें मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया भी डाला था। ठीक है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे एक दफ़ा, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। जी मेंबर्स, तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह से मसाला रेडी है, टिक्का मसाला। अच्छा, इसमें मैंने ऐड किया है टार्टरी पाउडर और सॉल्ट, इससे इसकी लाइफ बढ़ेगी। आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रखें और इसको फ्रिज में रखें, तो ये 1 मंथ 1.5 मंथ तक कहीं नहीं जाता आपका मसाला। अच्छा,
अब आप ये बोलेंगे कि मसाला तो बन गया, पर इसकी क्वांटिटी और मकदार को किस तरह से गोश्त में डाला जाए या चिकन में डाला जाए, तो उसके लिए ये है कि अगर आप 1 किलो बीफ का टिक्का बना रहे हैं, ग्रेवी वाला टिक्का भी होता है जिसमें हम दही वगैरह डालते हैं, पतीली टिक्का जिसे कहते हैं, अगर आप वो बना रहे हैं तो इसमें से आप 4 चम्मच भर के मसाला यूज़ करेंगे योगर्ट के साथ, ठीक है। और उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लेमन है, जो चीज़ें आप ऊपर से एडिशनल डालते हैं वो डालेंगे और इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे और ऑयल में उसको डन करेंगे, सही है। और अगर आप ड्राई बना रहे हैं विदाउट योगर्ट, तो आप यही मसाला लेंगे, इसके साथ आप लेमन ऐड करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे और आप इसको बोटियों पर अच्छी तरह लगा देंगे, और साथ ही आप कच्चा पपीता भी लगा सकते हैं। कश्री पाउडर की क्वांटिटी मैंने इसमें कम रखी है, तो आप कच्चा पपीता भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें कश्री पाउडर चला गया तो वो नहीं लग सकता। तो उसमें ड्राई जो टिक्के आप बनाएंगे सीखों वाले, उसके लिए भी आपको तकरीबन 4 टेबल स्पून, और ज़्यादा आपको चटपटा पसंद है तो आप 5 से 5.5 टेबल स्पून तक भी ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और इंशाल्लाह कुछ और मसाले भी हैं मेरी लिस्ट में, धीरे धीरे आप लोगों के साथ वो सब भी शेयर करेंगे। ट्राई कीजिएगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।